और संजय भैया के हम संजय भैया नहीं कहते, विधायक नहीं कहते इनको, बाकी हम लोग भैया बोलते हैं। और भैया से अपन कितना भी लड़के मांग सकते हैं, कितना भी कह के मांग सकते हैं, इसी तरह हम संजय पाठक को जानते हैं। भैया ये बताओ, बहुत सारे लोग चाहते हैं बढ़िया यही सरकार चलती रहे, काम भी अच्छा होता है, हम लोगों को अभी ऐसा ठीक लग रहा है। इसके करीब 2 या 3 पंचवर्षीय पहले कांग्रेस की मतलब विधायक जी भी थे, पर हो गया ठीक है, हमको भी यही सब बढ़िया लग रहा है। मैं तो देख रहा हूँ, जब से मैं जानने लायक हुआ भाजपा की सरकार जब से आई, तो हमारे यहाँ बरही में आदिवासी बस्ती है, इन लोगों को रहने का जीवन स्तर, रहने का घर तक नहीं था सही। जब से भाजपा सरकार की आवास योजनाएं आई तो इससे सब गरीबों को आवास मिल गए, नालियाँ बन गईं, रोड बन गईं, और इन लोगों के जीवन में रहने का एक विकास तो हो रहा है, ये दिख रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि मैं आज वर्तमान में कांग्रेस में हूँ। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में रहा, और जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि मैं भी संजय पाठक जी का बहुत बड़ा भक्त था, क्योंकि संजय पाठक जी व्यक्तिगत अच्छे आदमी थे। आज जो संजय पाठक जी को पसीना आ रहा चुनाव में, सिर्फ उनको चमचे उनके, अभी भी जिनसे आप पूछ रहे हैं, मैं इनको नहीं मानता कि आप जनता से पूछ रहे हो, आप ये तो कर्मचारी हैं उनके, ये तो बुलवाई करेंगे, आप जनता के पास जाइए, वो आपको सच्चाई बताएंगे, वास्तविकता क्या। भैया राम राम, नमस्कार, हमें तो चिंता ही, जो नाम है हमारा सचिन चौधरी, बुंदेली बोछार की बुंदेली यात्रा आज पहुंची है कटनी जिला की विजय रावगढ़ विधानसभा में, और इतने नगर परिषद बरही में हम हैं, और इतने तमाम सारे लोग बरही नगर के हमारे संगे हैं, कछु महिलाएँ भी हमारे संगे हैं, बाकी युवा हैं, पुरुष हैं, सब लोग हैं, और इनसे बात करें कि आखिर मध्य प्रदेश के विधानसभा के जो चुनाव कछु महीना में आने वाले हैं, उनमें क्या स्थिति रहे, नगर के का मुद्दा है, और नगर परिषद के जब चुनाव है तो उसके बाद का परिस्थिति है। सो आई लव बरही को बढ़िया सो सेल्फी पॉइंट है, वहीं से शुरुआत करें। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार गुप्ता है। जितेंद्र भैया, बरही नगर में और विधानसभा में विकास विकास हो रहा? बिल्कुल विकास हो रहा है। और एक बात और बता दूं मैं कि अगर जिस तरह इंडिया को जय बोलने और भारत माता की जय बोलने में लोग मन मन से रोमांचित हो जाते हैं, जैसे आप इंडिया की जय बोलो और भारत माता की जय बोलो, इस तरह विधानसभा में संजय पाठक की जय बोलो और दूसरे पार्टी के किसी व्यक्ति की नेता को अगर जय बोलो तो बहुत फर्क होता है, इतना फर्क ही समझ लीजिए आप। ऐसा कौन सा फर्क है जय बोलने में? कौन सा जय बोलने में फर्क नहीं, आप कार्य से फर्क समझिए, क्योंकि किसी अन्य पार्टी को हमने यहाँ पर लेके भी देख लिया, पिछले गत वर्ष पहले भी इसका कोई विकास नहीं हुआ, ना कोई जीर्णोद्धार हुआ, बस सिर्फ नाम और चोचले बस थे। और संजय भैया के हम संजय भैया नहीं कहते, विधायक नहीं कहते इनको, बाकी हम लोग भैया बोलते हैं, और भैया से अपन कितना भी लड़के मांग सकते हैं, कितना भी कह के मांग सकते हैं, इसी तरह हम संजय पाठक को जानते हैं। भैया ये बताओ, बहुत सारे जो नए समीकरण बन रहे हैं, युवाओं के बहुत सारे मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए विकास नहीं हो रहे, और भाजपा के कई बड़े नेता भी अभी कांग्रेस में पहुंचे हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं? नहीं, स्थिति अपने यहाँ जो है बरही में, अपने यहाँ बिजरावगढ़ विधानसभा में माननीय विधायक जी जो हमारे यहाँ संजू भैया, हम सबके चहेते भी हैं, हम सबके लिए हितैषी भी हैं, उनने अपने तरफ से भी कई काम किए, जैसे हमारे यहाँ सरस्वती स्कूल में अभी एक कैंप लगाया था, मेडिकल कैंप, वो मतलब काफ़ी लोगों का उसमें जिसको जो तकलीफ़ थी, और उनने वो उसमें कोई सरकारी योजना नहीं थी, उनने अपने तरफ से भी किया। बरही में भी हमारे यहाँ जब से हमारे यहाँ बीजेपी अध्यक्ष बने तो तालाब के चारों तरफ सौंदर्यीकरण, ये मतलब जो भी विकास चल रहा, बढ़िया विकास चल रहा है, और हम लोग भी चाहते हैं कि विधायक जी फिर से बने और अपने मध्य प्रदेश में फिर से पुनः बीजेपी की सरकार बने, माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें और माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण, और हम लोग चाहते हैं बढ़िया यही सरकार चलती रहे, काम भी अच्छा होता है, हम लोगों को अभी ऐसा ठीक लग रहा है। इसके करीब 2 या 3 पंचवर्षीय पहले कांग्रेस की मतलब विधायक जी भी थे, पर हो गया ठीक है, हमको भी यही सब बढ़िया लग रहा है। कुछ महिलाएं भी हमारे संग हैं, जो बरही में, आप बरही की हो लोग? बिल्कुल बरही के हैं भैया हम। तो जो विकास की बातें हो रही हैं कि भैया विधायक जी ने विकास कराओ, लेकिन कांग्रेस ही तो कह रहे हैं कि कछु विकास भाव ही नहीं है क्षेत्र, तो विपक्षी दल को तो काम ही होते हैं बीजेपी की बुराई करवो, अभी में कौन सी बड़ी बात हो गई, वो तो हमेशा को काम है आए कि भाई हम हैं, हम बीजेपी वाले हैं तो हम कांग्रेस की बुराई कर भी, कांग्रेस वाले हमारी कर हैं, उनमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जा है कि हमारे विधायक ने जोन करो है वो को नहीं कर सका। काका ऐसा करे जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा वो ठीक, गरीबन की सेवा के लाने होगा वो, हर जगह कैंप लगा उतरा, उज्ज्वला योजना मिली, गरीबन का अन्न मिलो, काय कांग्रेस की सरकार देत रही का गरीबन के अनाज 70 साल में कछु मिलो का, आप ऐसे पूछ रहे हैं मिलो का, एक जनन के आवास मिलो रहो का, लेकिन आज बीजेपी की सरकार में तो मिल रहो है, और महिलाओं का सम्मान बराबर से हो रहा हो, हमारे महिलाएं कब आगे नहीं देखो, महिलाओं के इंदिरा गांधी के अलावा को नहीं दिखानो, बाकी जो है कि अब तो महिलाएं एक से बढ़ के एक आगे आ रही,
गरीब तबके की भी और अच्छे घर की भी और निम्न वर्ग की भी उच्च वर्ग की भी सब आ रही हैं आगे, तो काय के लाने। और सबसे बड़ी बात जा है कि हमारे विधायक जैसो को हो नहीं सकत, हमारे बिजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लाने हमारा विधायक हमारा भगवान है, सीधी सी बात हमने कह दी, अभी के आगे कछु नहीं कहना। आप इलाके के पत्रकार भी हमारे संग हैं भैया, जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से की तरीके की आप चुनौती देख रहे हैं, खासतौर से तीन दावेदार के तौर पर सामने आ रहे हैं, नीरज हैं या शुक्ला मैडम हैं या फिर जो अभी हाल में जो है भारतीय जनता पार्टी में जो पहुंचे पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह जी हों चाहे पद्मास शुक्ला जी हों, ये दोनों भाजपा से पलायन करके कांग्रेस में आए हैं। भाजपा जहां तक मैं समझता हूं ध्रुव प्रताप सिंह जी का ऐसा माना जा रहा है कि उनको इस बार टिकट मिलेगी, लेकिन उनको टिकट मिलने की खबर के बाद अंदर ही अंदर कांग्रेसियों में बौखलाहट तो है कि जिन्होंने दरी फट्टी बिछाई वो क्या करेंगे, 10 साल से यहाँ दरी फट्टी बिछा रहे हैं। भाजपा ने आपको क्या नहीं दिया, आपको विधायक बनाया, आप चुनाव हारे, यहीं संजय पाठक जी से ही चुनाव हारे, चुनाव हारने के बाद आपको जिला अध्यक्ष की कुर्सी में तैनात किया, जिला अध्यक्ष की कुर्सी के बाद आपको मैं कटनी विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष भी बनाया, और आप बोल रहे हैं कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा पार्टी में। किस तरह का सम्मान होता है, चुनाव हारने के बाद भी पार्टी भाजपा ने आपका सम्मान किया, और यदि उन्हें टिकट मिलता है तो यहाँ के कांग्रेसी जैसे नीरज सिंह बघेल तो खुले तौर पर मैदान पर उतरे हैं और उनके समर्थक भी, कि इसे साफ जाहिर है कि अंदर ही अंदर कांग्रेस जो है भले एकजुटता का राह अलगे वो खोखली होती जा रही है। यदि बाहरी व्यक्ति को टिकट मिलती है तो अंदर वालों का सीधा कहना है कि हम क्या फट्टी बिछाने के लिए हैं, हम क्या करेंगे। एक तरीके का सवाल तो जब संजय पाठक भी जब कांग्रेस से भाजपा में आए थे तब उठे। देखिए वो जब कांग्रेस से भाजपा में आए थे उनके साथ कंडीशन अलग थी, वो सीधे पहले जनता के पास गए थे कि मैं मेरे साथ ये परिस्थितियां हैं, ये स्थितियां हैं, कांग्रेस में मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, न राहुल गांधी सुन रहे हैं न प्रदेश कांग्रेस सुन रही है, ऐसी स्थिति में हम क्या करें। वो जनता दरबार में आए थे, ये सीधे ज्वाइन करने के बाद और अभी कहाँ हैं, इतने सारे मुद्दे, लोग परेशान हैं बिजली को लेकर, कहाँ हैं, कहीं मैदान में तो नजर नहीं आते हैं। तो स्थानीय समस्याएं तो हैं फिर इसका मतलब? जी स्थानीय समस्याएं कभी खत्म नहीं होती है, समस्याएं ये कहते हैं जैसे विकास सतत प्रक्रिया है, बनना और बिगड़ना काम है, विकास होते रहते हैं और समय के साथ और भी विकास की जरूरत होती है। यहाँ बहुत सारे विकास हुए हैं, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से विकास हो गया है, विकास की अभी बहुत आवश्यकता है और होना चाहिए, उस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। भैया आपको क्या नाम है? विश्वनाथ नाम के रहने वाले? नहीं बरी का। बरी में काम नाम विकास के काम हो रहे हैं? जी क्या समस्या है? कुछ नहीं सब सही है। तो और भी तमाम सारे जो लोग हैं भैया आप बताएं, जिस तरीके से बात हो रही है कि कांग्रेस पार्टी के तीन तीन दावेदार हैं, इतने तो भाजपा से लगभग टिकट तय है, तो आपको क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी से कौन सा कैंडिडेट है जो बेहतर साबित हुई है, जो चुनौती दे? कांग्रेस पार्टी से तो मुझे अभी पाठक जी के विपक्ष में कोई दमदार नहीं समझ में आ रहा। कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी है कि 10 सदस्य हैं तो 10 गुट हैं, आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस की स्थिति तो बहुत ही ख़राब है। और भारतीय जनता पार्टी में जो माननीय विधायक जी ने किया है ये विजराहोगढ़ विधानसभा में, तो आप ये मान के चलिए कि किसी भी गरीब के घर में कोई मृत्यु हो जाए, कोई खुशी हो, किस दुख सुख में हर समय में संजय पाठक जी साथ देते हैं, चाहे आर्थिक सहयोग हो, चाहे मानसिक सहयोग हो, चाहे शारीरिक सहयोग, हर तरह का सहयोग हमारे विधायक जी करते हैं। इसलिए यह विधानसभा में माननीय संजय पाठक जी के लिए तो एक परिवार है और पूरा बिजराहोगढ़ विधानसभा उनका ऐसा परिवार है जिसमें यहाँ के लोग पूरे सदस्य जैसे हैं। बरही में भी उनका घर है, सभी वो स्थानीय ही है, यहाँ लोग उनको अपना भाई, अपना चाचा, अपना पिता सब ऐसा मानते हैं, पारिवारिक सदस्य के रूप में वो माने जाते हैं। भैया आप बताओ कि कांग्रेस पार्टी से कौन सा उम्मीदवार है जो चुनौती दे सकता है? नीरज सिंह बघेल। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है,
गांव के बारे में, मंदिर मस्जिद हर जगह मिलना जुलना, बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। तो नीरज सिंह बघेल उनसे टक्कर ले सकता है, लेकिन इतनी बड़ी उम्मीद तो नहीं है कि वो टक्कर ले ले, लेकिन टक्कर ले सकता है वो, ये उम्मीद है उनकी। तरीके से हाल में जो है भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जो नेता ज्वाइन कर रहे हैं उनको क्या हुई है? कांग्रेसी नेता नहीं, भाजपा के नेता जो कांग्रेस में गए हैं टिकट क्यों? वो तो मान लो संजय पाठक से अच्छा नेता कोई नहीं है अपने बरही में। बहुत अच्छा कार्यकाल हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से वो देखभाल कर रहे हैं। हर गरीब अमीर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबके लिए बराबर सम्मान है, ये बात तो उचित है। भैया आप बताएं, बरही में जिस तरीके से नगर परिषद बनी हुई के बाद जो विकास के काम है, कौन से ऐसे काम आप गिना पा रहे हैं? नगर पंचायत में पिछले एक साल पहले मैं आया हूँ अध्यक्ष बन के, लगातार हम लोग विकास काम कर रहे हैं। ये आपके सामने तालाब दिख रहा है, देखिए इतना सुंदर तालाब आपको मेरे ख्याल में दो चार जिले में भी नहीं मिलेगा। कंटिन्यू हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, और भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी एस्टिमेट हो गया है, टेंडर हो गया है, और वो आपको ज़मीन में दिखेगा आने वाले दो तीन महीने के अंदर। लगातार काम कर रहे हैं हम लोग, लगातार काम कर रहे हैं। भैया विजय रावगढ़ विधानसभा की अगर बात करें, ये आदिवासी बहुल भी है और मजदूर इलाके में बहुत हैं, तो उनके हिसाब से विकास की कुछ चीज़ें? भाई मैं तो देख रहा हूँ जब से मैं जानने लायक हुआ, भाजपा की सरकार जब से आई तो हमारे यहाँ बरही में आदिवासी बस्ती है, इन लोगों को रहने का जीवन स्तर, रहने का घर तक नहीं था सही। जब से भाजपा सरकार की आवास योजनाएं आईं तो इससे सब गरीबों को आवास मिल गए, नालियां बन गईं, रोड बन गईं, और इन लोगों के जीवन में रहने का एक विकास तो हो रहा है, ये दिख रहा है। कछु और युवा भी हमारे संग हैं। भैया ये बताइए कि जो है मजदूर तो बहुत हैं, मजदूरों को काम है, बाकी युवाओं को रोजगार है क्षेत्र? रोजगार की बात की जाए तो सरकार पहल कर रही है, पर इसमें जो युवा वर्ग है वो आगे आकर के अपना रोजगार के लिए प्रयास करें तो उसमें और उनको बढ़त मिल सकती है। फिलहाल बेरोजगारी जैसी कोई स्थिति? बेरोजगारी जैसी स्थिति समय के हिसाब से ऊपर नीचे तो होती है, तो कम हुई है बेरोजगारी, ऐसा नहीं है, और बीजेपी सरकार अपने तरफ से प्रयासरत है, कर रही है। कांग्रेस पार्टी से भी लोग हमारे संग आ गए। भैया जो है इतने विधायक हैं, पहले कांग्रेस में थे, फिर लंबे समय से भाजपा में विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी अब कह रही कई बार चुनौती दें, और कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है बिल्कुल उनके बड़े टारगेट पे है विजय राव। देखिए सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि मैं आज वर्तमान में कांग्रेस में हूँ, मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में रहा, और जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि मैं भी संजय पाठक जी का बहुत बड़ा भक्त था। चूँकि संजय पाठक जी व्यक्तिगत अच्छे आदमी थे, आज जो संजय पाठक जी को पसीना आ रहा चुनाव में, सिर्फ उनको चमचे उनके, अभी भी जिनसे आप पूछ रहे हैं, मैं इनको नहीं मानता कि आप जनता से पूछ रहे हो, आप ये तो कर्मचारी हैं उनके, ये तो बुलवाई करेंगे, आप जनता के पास जाइए, वो आपको सच्चाई बताएंगे, वास्तविकता क्या जो है। बोले कांग्रेस पार्टी से और कौन कौन से ऐसे दावेदार हैं जो आपको लग रहे हैं चुनौती? मात्र ध्रुव प्रताप सिंह वही जीतेंगे यहाँ से, ये भी देख लें वही जीतेंगे। जी भैया, वे तो कह रहे हैं कि भैया जो लोग भी खड़े हैं चौराहे पे सब चमचा है। ये देखिए इनका आक्रोश है, अब इनकी अशिष्ट भाषा से आप समझ सकते हैं कि कितना ये लोग चुनाव करवाएंगे। ये चुनाव के इनको देख के कोई वोट देगा क्या इस नगर में? इनकी ऐसी अशिष्ट भाषा आपने देखा, ये चैनल में भी चलेगा कि ऐसे अशिष्ट कार्यकर्ताओं से क्या वोट मिलने वाला कांग्रेस को? क्या हमारी माताएँ हैं, बहनें हैं, हमारे सब नागरिक बंधु खड़े हैं, इतना सारा जनमानस खड़ा हुआ है, हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, और संजय पाठक जी इस क्षेत्र के लिए धरोहर हैं। संजय पाठक का विधायक बनना जरूरी उनके लिए नहीं है, संजय पाठक का जरूरी विधायक बनना हम लोगों के लिए है, इसलिए संजय पाठक को हम लोग विधायक बनाएंगे, और संजय पाठक अच्छे मतों से विधायक बनने वाले हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अशिष्ट भाषा आपने सुन लिया, ऐसे ही उनके अशिष्ट कार्यकर्ता है। कांग्रेस पार्टी के नेता कह के गए थे जितने खड़े सब संजय पाठक के चमचे हैं, ऐसा नहीं है, कहने से कुछ नहीं होता है। कुछ दल के उन्होंने पहले ही कहा कि मैं कांग्रेस का हूँ, तो सीधी सी बात है विपक्ष पे हमला करेंगे अपना विपक्षी मानते हुए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। संजय पाठक एक मजबूत जनाधार नेता है, आप कहीं भी उनकी रैलियाँ देखिए, इतने लोग कहाँ से पहुँच जाते हैं, कैसे पहुँच जाते हैं, अगर उनके इतने चहने वाले नहीं होते तो इतनी भीड़
जहाँ भी संजय पाठक का कार्यक्रम होता है भीड़ अपार भीड़ होती है। कैसे पहुँच जाते हैं? क्या हर कोई उनका नौकर है? क्या हर कोई उनका चमचा है? नहीं, उनके चाहने वाले भी इस क्षेत्र में बहुत हैं, इसलिए वो हर बार विधायक बन रहे हैं। कांग्रेस में थे तो भी विधायक बने, भाजपा में आए तो भी विधायक बने, जनाधार नहीं होता तो विधायक कैसे बनते? जो ध्रुव प्रताप सिंह की चर्चा कर रहे हैं, ध्रुव प्रताप सिंह भी यहाँ विधायक रह चुके हैं, उनका कार्यकाल सबसे घटिया कार्यकाल था मेरी नज़रों में। मैं भी इस क्षेत्र का ही हूँ, देखा हूँ, हरिजन आदिवासी बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने एट्रोसिटी एक्ट बनाया जो SC ST के लिए तो बहुत बड़ा मंत्र मिल गया। ऐसा कुछ नहीं है, जो विरोधी पार्टियाँ संजय पाठक के विरोध कर रही हैं, विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन जो जनता के लिए संजय पाठक जी ने काम किया है शायद ही इस क्षेत्र में कोई नेता दूसरा कर पाएगा। नीरज सिंह का क्या है? नीरज सिंह तो भोपाल से यहाँ आते हैं, 10 दिन अपना शेड्यूल बनाते हैं, सभी लोगों के पास जाते हैं, बैठते उठते हैं, बस हो गया, फिर भोपाल चले जाते हैं, क्योंकि उनका कारोबार तो भोपाल में है। कारोबार तो भोपाल में, और भी तमाम लोग हैं भैया, जैसे जो कांग्रेस के लोग कह कह गए कि भैया तो सब इकट्ठे हैं तो अपन दस्ता रास्ता रोक के भैया। बरही नगर की विजयनाथ भगवान की भूमि पर बहुत बहुत स्वागत स्वागत है आपको भैया, स्वागत है भैया। कांग्रेसी क्या कह कहते तो जितने दिख रहा है आपके सामने सब संजय पाठक के चमचा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, संजय पाठक जी हमारे क्षेत्र के विधायक हैं और उन्होंने हमारे क्षेत्र में बहुत सारे अच्छे काम कराए हैं। निश्चित रूप से जो 15 साल से 20 साल से जो सत्ता में होता है उसका थोड़ा बहुत विरोध तो होता ही है। विधायक जी एक बहुत नेक इंसान हैं और उन्होंने विकास के अच्छे कार्य कराए हैं यहाँ पे, और थोड़ा बहुत विरोध जरूर है क्षेत्र में, लेकिन इसके बाद भी विधायक जी की स्थिति हमारे क्षेत्र में काफ़ी सुदृढ़ है, काफ़ी मजबूत है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका विरोध है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो विरोध की अगर बात करें तो जो विधायक जी के आसपास के लोग होते हैं, क्षेत्रीय जनता में, जनमानस में उनका विरोध होता है। कई बार सरकार की जो नीतियां हैं उनका विरोध होता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि 15-20 साल में एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है। जो भी सरकार हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर बहुत लंबे समय से सत्ता में है तो निसंदेह चाहे वो कोई भी होगा उसका विरोध होगा। इस धरती पर भगवान राम का भी विरोध हुआ है, भगवान कृष्ण का भी विरोध हुआ है कहीं ना कहीं से, इसी तरह सबका एक सत्ता में जो भी है सत्ताधीश उसका विरोध होता है, उसी तरह थोड़ा बहुत उनका भी विरोध है, विधायक जी का भी विरोध है, सरकार का भी विरोध है। बाकी ये बात सही है कि हमारे माननीय विधायक जी ने क्षेत्र के लिए काफ़ी कार्य किए हैं, काफ़ी काम किए हैं। भैया आप सहमत हैं? जी जी बिल्कुल, विकास के बहुत सारे आयाम उन्होंने स्थापित किए हैं और हमने तो उनके कार्यकाल में बहुत सारा विकास देखा है। आप ये हमारे 54 एकड़ का तालाब सामने दिख रहा है, अभी इसमें इसी पंचवर्षीय योजना से विकास के नए नए काम चालू हो रहे हैं, CC रोड का निर्माण, बाउंड्री वॉल का निर्माण, और चारों साइड रात में जगमगाने के लिए स्ट्रीट लाइट के खंभे लगाए जा रहे हैं, और लोगों को यहाँ पर रात में टहलने के लिए और सुबह टहलने के लिए एक बहुत ही अच्छा जगह मिल जाएगी और तालाब हमारा सुंदर दिखने लगेगा। इसी तरह अन्य विकास हमारे यहाँ बाईपास स्वीकृत हुआ विधायक जी के द्वारा, ऑडिटोरियम बन रहा है, ITI की स्थापना हुई, ऐसे अनेकों कार्य हैं विधायक जी के द्वारा जो समय समय पर होते रहते हैं। अभी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चिकित्सा का जो कैंप था वह हमारे बरही नगर में लगा था, 2 दिवसीय कैंप था, चिरायू हॉस्पिटल के डॉक्टर आए थे, उसमें लगभग 2 लाख मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया था। भैया आप बताइए कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं जितने लोग विधायक के पक्ष में बोले वे सब चमचा हैं? नहीं तो बोलने वाले बोलते हैं ना, उनको मान लो विपक्ष के होंगे तो बोलेंगे, बाकी विधायक ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ काम भी अच्छा करते हैं। जैसे लाइट की प्रॉब्लम है, दूसरे तीसरे दिन मतलब ट्रांसफार्मर में लग जाते हैं, ठीक है, रोड है, तालाब है, जो काम होते रहते हैं, और विकास भी बढ़िया करते हैं, पर्सनल अपन मदद भी करते हैं किसी का भी हो, ऐसा तो ये बताओ कि अगर सब मदद करते हैं, विकास के काम करते हैं, तो फिर कछु विरोध के जो स्वर उठते हैं बेकाय उठते हैं? विरोध के सर जो है अपने क्षेत्र में कई ऐसे जो विकास कार्य रुके हुए हैं, कहा जाए तो क्षेत्र में रोजगार के कोई साधन नहीं है, है ना। यहाँ का जो मजदूर वर्ग है स्थानीय स्तर पर कोई काम नहीं है उसको, ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो पलायन करते हैं। इसको लेकर लगभग 15 साल से क्षेत्र के विधायक यहाँ पर सत्ता पर हैं, लेकिन रोजगार को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। एक और चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ रेल सड़क पूरी तरह से चौपट है, महानदी पुल लगभग 1 साल से बंद है, उसको लेकर अभी तक कुछ नहीं हुआ। ऐसे करके कई ऐसे जो अहम मुद्दे हैं
जिसको लेकर लोगों में कई तरह के चर्चाएं हैं, वो आगामी समय पे देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी से कौन से ऐसा विकल्प आप समझ रहे हैं जो है चुनौती दे पाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी में सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक साथ 4 से 5 दावेदार सामने आ रहे हैं, भाजपा में सिर्फ एक व्यक्ति है। अभी तो पार्टी तय करेगी कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसको तो हम भी नहीं कह सकते हैं, वो तो भविष्य के गर्त में है, समय आएगा जो होगा। बदलाव की बहार है, अब देखिए क्या होता है। बदलाव की बहार है, देखिए क्या होता है। भैया आप बताओ, कहाँ आपको नहीं बोलेंगे ये बोलना, कुछ महिलाएं और भी हैं। मैडम आप बताओ, कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव की बहार है जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव की बहार है, बदलाव हो सकता है जी, हो रहा है, काफ़ी बदलाव हो रहा है। सबसे पहली बात कि हमारे यहाँ जो मतलब महिलाओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी से मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि महिलाओं को आगे किया जाए, लेकिन आज के डेट में ऐसा है कि हम लोग सिर्फ घर के अंदर तक ही सीमित नहीं हैं, हम लोग बाहर भी जाते हैं और अच्छे से मतलब हमको सम्मान भी मिलता है जी। बस भैया जैसे अब कछु लोगों ने कही के संजय पाठक के चमचा, तो भैया चमचा तो ये तो कोई नहीं है पहली बात। दूसरी बात, हम तो कार्यकर्ता हैं, वो पब्लिक आए, ठीक है, पब्लिक तो वही देखत ना जोन विधायक करा थे। हमारे विधायक ने पूरे क्षेत्र के लाने करो है और पूरे विजयरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र हमारे विधायक को भगवान मानत है और कल भी माना था तो आज भी माना था और जिंदगी भर मानत रहे। हम और उनके लाने एक विधायक है सिर्फ, संजय सत्येंद्र पाठक, बाकी कोनो विधायक इतने आ नहीं सकत। राम राम, जय श्री राम जी भैया। और जी जी भाई साहब, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जो विधायक के पक्ष में बोल रहे हैं, विधायक के पक्ष के जो तमाम सारे लोग हैं वे कह रहे हैं कि हमारे लाने तो हमारे विधायक ही भगवान। वो तो विपक्षी है जो अभी बोल के गया भद्र भाषा, उसको नहीं बोलना चाहिए, वो आवेश में आके बोला, उसका जो आवेश था वो खुल के बता दिया कि इनकी ऐसी भावनाएं हैं। हमारे विधायक यहाँ पूजे जाते हैं, विधायक नहीं माने जाते, वो उनको लोग बाग प्यार से संजू भैया कहते, एक परिवार की तरह है यहाँ। अभी उन्होंने करीबन 35,000 लोगों की दवाई करवाई भोपाल ले जाके चिरायू हॉस्पिटल में, और अभी करीबन 3 करोड़ के लागत का हरियर तीर्थ धाम बसाने का प्रयास किया और चल भी रहा वहाँ काम, और जन जन में वो जाते हैं और कोई भी आधी रात उनको फ़ोन करे, दुखी हो, गरीब हो, दीन हो, किसी बहन की शादी करना, बेटी की शादी करना, कोई बीमार हुआ, उनके आदमी वहाँ पहुँचाते हैं, पूरा ट्रीटमेंट दवाई कराते हैं, वहाँ से लेकर घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी रखते हैं। उनको यहाँ बरही नहीं बिजराहोगढ़ क्षेत्र में विधायक के रूप से लोग कम जानते हैं, संजू भैया के नाम से ज़्यादा जानते हैं। उनको देवतुल्य माना गया है, वो एक देवता के रूप में इस कलयुग में आज का आदमी घर का नहीं कर पाता, वो हर व्यक्ति का करते, कोई अपनी बात भर रख दे उनके पास कि भैया मेरे को ऐसी परेशानी है, ऐसी पीड़ा है, उसकी पीड़ा हरण करने के लिए वो तत्काल तैयार रहते हैं और दवा दारू कराते हैं। और रही बात व्यापार में, किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं, कोई व्यापारी को परेशानी नहीं, कोई पुलिस विभाग का आदमी, कोई कर्मचारी परेशान नहीं करता, हर कर्मचारी सुनता है। और कोरोना काल में वो सब कोई अपने अपने घर में घुसा था, हमारे संजू भैया बिना मास्क के गांव-गांव घूम रहे थे कि कौन कैसा है, चावल दाल गेहूँ आटा और तुम्हारे तेल नमक जीरा धाना सब लेके झोला में पैकेट लगा लगा के संजू भैया बंटवा रहे थे। ऐसा व्यक्ति कहाँ ढूंढे मिलेगा बताइए आप, एक वो बाँह के बराबर हैं, वो विधायक नहीं है, विधायक तो है ही, विधायक से भी बढ़ के हैं, उनको तो मुख्यमंत्री होना चाहिए जिस तरह उनका कार है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो कछु और लोग भी आए हैं भैया, और आप बताओ भैया, युवा हो, रोजगार की व्यवस्था है? रोजगार की व्यवस्था तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है रोजगार की। और मैं तो चाहता हूँ कि पहले बरही को साक्षर बनाया जाए, बहुत से यूथ लड़के हैं जिन कुलिया वाले हैं, या फिर हम उन्हें अनाज ना दे के उन्हें पर सबसे पहले शिक्षा देने की व्यवस्था करनी चाहिए, और जैसे कॉलेज का डेवलपमेंट और होना चाहिए। हमारा सरकारी स्कूल आज 10 साल 15 साल पहले भी इसी तरह का था, आज भी इसी तरह का, सिर्फ उसमें पेंट किया जा रहा है, थोड़ा उसे और बनाया जाए, और काफ़ी कुछ एनवायरनमेंट के बारे में समझाया जाए, हमें रास्तों पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए। मैंने बरही में काफ़ी जगह देखा है कि घर जो हैं तो कुछ ज़्यादा किसी के निकल रहे हैं, रोड कहीं की हल्की थोड़ा ऊंची है कहीं की नीचे, तो ये सब एक बराबर किया जाए। बताओ भैया, अल्पसंख्यक समाज के भी लोग हैं, जी तरीके का चुनावी माहौल है, क्या परिस्थिति आती है? परिस्थिति बहुत अच्छी भी है, तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में टक्कर है, और कांग्रेस पार्टी कितनी चुनौती दे पाए भाजपा को?
बीजेपी तो भैया आएगी ये फाइनल। विकास की आप देख लीजिए, विकास को देख लीजिए, हर चीज़ मतलब अपन को कंफर्म है कि बीजेपी आएगी आपकी अपनी इस विधानसभा में। इस विधानसभा में जी ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि विधायक अच्छे हैं, बहुत सारे लोगों ने कमियां भी निकाल रहे। नहीं नहीं, विधायक हमारा बहुत अच्छा है, हमारे अध्यक्ष साहब भी बढ़िया, विकास भी दिख रहा है। विकास भी दिख रहा है। और दादा बताओ, दादा क्या नाम है तुम्हारा? बेड़ीलाल। बेड़ीलाल जी हाँ, ठीक ठाक है? ठीक है, हमको पानी की तकलीफ है, ये पानी टंकी है, इसी के बाद इसे पानी नहीं मिलता हम लोगों को। अच्छा, पानी नहीं मिलता। तला के बगल में ले रहे हो, पानी नहीं मिल रहा तुम? पीने वाला पानी नहीं, ये पानी तो ना पीने वाले पानी की जो है समस्या है, और समस्याएं बिजली सड़क पानी की अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से सामने आती हैं। लेकिन फिलहाल जो है आम जनता की राय, कांग्रेस भाजपा सबकी राय हमने आपको बताई। हम बरही में हैं, और बरही में जो है तमाम सारे लोग जो हैं, कुछ नए लोग भी आए हैं। भैया बताइए, क्या विकास विकास के काम हो रहा है क्षेत्र में? हो तो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? पूरे हो रहे हैं कि थोड़े? तो यहाँ भी देख रहा हूँ, वहाँ भी देख रहा हूँ, घाट बन रहे हैं, यहाँ बन रहा है, काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है। जो अब तक नहीं हो रहा था वो होना शुरू हो गया है, और जिस टाइप से हो रहा है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बड़ी काफ़ी खूबसूरत हो जाएगी, ऐसा लगता है। नगर और विधानसभा विकास की, अब देखिए विकास अगर अपन विकास की आँखों से देखेंगे तो विकास दिखाई देगा, अगर हमको मतलब नफरत से देखना है कि हमको नहीं चाहिए ये, तो फिर नहीं दिखाई देगा। ईमानदारी से देखा जाए तो जो भी अपने यहाँ के विधायक हैं अथवा प्रतिनिधि हैं, इनसे बेहतर मुझे कोई लगता नहीं कि होगा। हर तरह से सक्षम लोग हैं, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अब कितना कर पाते हैं, उनके सहयोगी कौन लोग हैं, क्या सलाह देते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि क्या क्या अच्छा हो पाएगा। बाकी क्षमताएं सब हैं, सभी के ऊपर मुझे ऐसा लगता है। सब हैं हाँ। और ये लोग इस तरीके से अगर बेहतर और काम अच्छा करेंगे, इनसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। जो अपने विधायक जी हैं, इनसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। हर तरह से सक्षम है। कांग्रेस पार्टी तमाम तरीके की आलोचना कर रही है, इस बार कह रही है कि बड़ा परिवर्तन आ जाए, कोई उम्मीद लगती है? परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि अच्छा ही होगा, परिवर्तन मतलब बदल जाएगा, घटिया भी हो सकता है, और संभावना घटिया होने की भी ज्यादा मुझे लगती है। भैया कांग्रेस के पास खुद का एक जमीनी स्तर का नेता नहीं है, नगर में जब जब समस्या आए कभी ने भाई साहब, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मुझे किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं शुद्ध मतलब एक तरह से छोटा सा व्यवसायी हूँ, संगीत का प्रेमी हूँ, और किसी के दबाव में मैं रहता ही नहीं। संजू भैया आ जाए तो कोई दबाव नहीं समझता, कोई और पार्टी के नेता कोई दबाव नहीं समझता, मतलब जो मुझे अच्छे लगते हैं उसका प्रेमी हूँ मैं, जिसकी सोच बढ़िया है। पार्टी से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी पार्टी से कोई इंटरेस्ट नहीं। आम जनमानस की भी राय है, और यही राय के संगे हम चौपाल को समापन कर रहे हैं। बरही में हम थे पहली बार आए, बड़ा खूबसूरत नगर है, बढ़िया खूबसूरत सो तालाब है, अच्छे लोग हैं, और अब एक बार फिर से देखें कि बरही की जनता और विजयरावगढ़ विधानसभा की जनता आगामी 2023 के विधानसभा के चुनाव में कैसो रुख अपनाऊ थे, और आखिर इतने से कौन से परिणाम दे थे। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार के लाने। सुनिए, त्योहार आने वाले हैं, हम कब तक इन्हें किराए के घर में ही मनाएंगे? हम अपना घर कब लेंगे? ले ही लिया समझो, कल मैं बुंदेलखंड गोल्डन सिटी गया, वहाँ के ड्यूप्लेक्स बहुत खूबसूरत है। होशंगाबाद रोड, जाट खेड़ी की प्रीमियम लोकेशन, वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग डिजाइन, लश ग्रीन गार्डन, और रेट्स हमारे बजट में। बुंदेलखंड गोल्डन सिटी, विजिट टुडे।